एड्रेनोसिन हुआ तो क्या बोलोगे, स्पिंज ऑफ फॉस्फोलिपिड, क्या कहोगे, स्पिंज ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना बच्चों। ओके वेरी गुड बच्चों, ओके ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड मिलेगा, फॉस्फोलिपिड मिलेगा। उसके भी कितने टाइप है, दो टाइप है, कौन सा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, कौन सा, स्पिंजोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को आपने और क्या कहा बच्चों, फॉस्फोग्लिसराइड कहा, क्या कहा, फॉस्फोग्लिसराइड कहा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, अब क्या है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, कौन सा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उसके दो नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा, कि ये सबसे ज्यादा मिलने वाला लिपिड है, कौन सा बच्चों, फॉस्फोग्लिसराइड। और एबंडेंट का मतलब क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा होना, क्या होना, ज्यादा होना, मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा होना, एबंडेंट का मतलब हुआ ज्यादा होना, मोस्ट एबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा होने वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लिपिड प्लाज्मा में कौन सा है, फॉस्फोग्लिसराइड, कौन सा, फॉस्फोग्लिसराइड। और ये जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है, मतलब जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फिर सिंपली क्या बोलोगे, फॉस्फोलिपिड, वो किस फॉर्म में रहता है, वो बाई लेयर के फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में, बाई। अब यहाँ पे अगर आप बाई कहते हो, बाई का मतलब टाटा बाई, बाई नहीं बच्चों, बाई का मतलब क्या है, टू होता है, क्या होता है, टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड किस फॉर्म में रहेगा, दो लेयर के फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में, दो लेयर के फॉर्म में, जैसे कि ये हो गया बच्चों। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है बच्चों, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, क्या है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉस्फोलिपिड, 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 इस तरह से बहुत सारे लिपिड बना दिया।